और यहाँ पे सासू जी ने मंडुआ भी डाल रखे हैं सुखाने के लिए, कोदा, और वहाँ पे क्या बोलते हैं झंगोरे की थोड़े से जो बचे हैं क्या बोलते हैं उनको जो हम निकाल के लाए थे खेत से, तो ये डंठल बचे हैं झंगोरे के, ये भी डाल रखे सुखाने के। यहाँ पे मिर्ची है, बाकी यहाँ पे मैडम जी का भी यहाँ पे कोदा छना जा रहा है, जो मंडुआ होता है ना मंडुआ ही बोलते हैं, तो इसको साफ कर रहे हैं। चलो दोस्तों आज की व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे प्यार भरा प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 7 बजे से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में, दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। अभी मेरा हो रहा है झाड़ू पोछा, झाड़ू मैंने लगा दिया है, अब मैं पोछा लगाती हूँ। बाहर का झाड़ू तो सासू जी ने लगा दिया था, तो अंदर का मैंने लगा दिया है, अब लगाती हूँ थोड़ा सा पोछा, बस पोछा का काम रह गया है, उसके बाद देखते हैं नाश्ता वगैरह क्या बनाना है। आगे हूँ मैं अपने रूम में पोछा लगाने के लिए, और पोछे की शुरुआत सबसे पहले मेरे रूम से होती है, क्योंकि मेरे रूम है सबसे कोने पे, तो पहले मैं यहीं से लेके जाती हूँ पोछा लगा के, उसके बाद और रूम में लगाती हूँ, मेरे रूम के बाद मंदिर में, मंदिर के बरामदे में, उसके बाद और रूम में, क्योंकि और रूम ठीक सामने है ना बाहर के, तो इसलिए मैं पहले यहीं से लेके जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं और रूम में पहले लगाऊंगी तो इधर से इधर होता है, इसलिए मैं पहले यहीं से शुरुआत करती हूँ, यहाँ से सीधा बाहर की तरफ लेके जाती हूँ, और यही सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो चलो करती हूँ मैं पोछे लगाती हूँ जल्दी से, उसके बाद देखते हैं नाश्ता वगैरह क्या बनाना है, जल्दी से कर लेते हैं। अभी मैंने रजाई भी नहीं की तई, उसकी तई भी नहीं लगाई, क्योंकि मैं उठी और सीधा बाहर गई, उसके बाद मैंने सीधा झाड़ू वगैरह उठाया, तो सासू जी ने तो बाहर का लगा दिया था, और अब मैं पोछा लगाती हूँ पहले, तो जल्दी जल्दी करते हैं। वैसे काम नहीं है आजकल, क्योंकि हमारी भैंस तो है नहीं, भैंस तो बिक गई थी हमारे कब की, तो आजकल मैं लेट ही उठती हूँ। वैसे भी मैं लेट ही उठती थी, मैं कौन सा कुछ काम करती थी भैंस का, सासू जी करती थी, तो वैसे मैं 6:15 बजे उठ जाती थी, लेकिन आजकल मैं 6:30 कभी 7 बजे उठती हूँ, तो अभी मैंने रजाई की तई भी नहीं लगाई है, उसके बाद ही लगाऊंगी, पहले मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ, चादर वगैरह झाड़ लेती हूँ। तो जल्दी से करते हैं आप काम। वैसे काम है नहीं आजकल हमारा कुछ गांव में, क्योंकि कोदे वगैरह की लवाई तो सासू जी ने कर ली है, अभी नाच वगैरह होने लगा है, तो नाच की लवाई भी होने लगी है, बहुत सारा ने कर ली, क्योंकि हमारा लास्ट में ही होगा, क्योंकि जिस टाइम पे लगाते हैं ना उस हिसाब से निकालते हैं। तो अभी करती हूँ जल्दी से पोछा, पोछा वगैरह लगाने का काम भी मेरा निपट गया है, लगा दिया मैंने पोछा वगैरह, और अभी मैंने यहाँ पर पायदान वगैरह बिछा दिए, क्योंकि सासू जी लोग अंदर हैं रूम में, अगर उन्हें बाहर आना होगा तो अभी रूम गीले हैं इसलिए फिसलन होती है, इसलिए मैंने पायदान वहाँ पे बिछा रखे हैं, ताकि कोई फिसले ना अगर बाहर आए तो पैर वहाँ पे साफ करके आए, और मेरा भी काम पड़ता है ना अंदर रूम में, तो अंदर वाले रूम तो सूख गए होंगे। जैसे मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है सारे रूम में, क्योंकि जैसे ही मैं पोछा लगाती हूँ वैसे मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, तो उससे जल्दी सूख जाते हैं रूम, तो बाहर भी करके, लेकिन अभी हॉल नहीं सूखा होगा, क्योंकि अभी मैंने गीला पोछा लगाती हूँ ज़्यादा ना, क्योंकि उससे जो धूल मिट्टी होती है बाहर निकल जाती है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सूखा सूखा पोछा लगाती हूँ ना उससे साफ़ नहीं होता है, अगर गीला पोछा लगाती हूँ उससे साफ़ हो जाता है। दिखाती मैं आपको अभी अपनी सफाई, नाश्ता बनाने की तैयारी भी होगी, और नाश्ते में बना रही मैं हलवा, तो क्योंकि नाश्ते में सब्जी वगैरह तो है नहीं कुछ ना। बाकी आज की मौसम की बात करें तो आज का मौसम कुछ इस तरह से, देख सकते हो आप लोग भी हल्का हल्का मौसम ख़राब हो रखा है, और सामने के पहाड़ों पे हल्की हल्की धूप झलक रही है पोखर की तरफ भी, और सामने जो पहाड़ है वहाँ पर भी हल्की हल्की धूप लगी हुई है, क्योंकि आसमान में बादल वगैरह छाए हुए हैं, बारिश वाला मौसम हो रखा है अभी तो, लेकिन थोड़ी देर तक मौसम भी बदल सकता है, कोई भरोसा नहीं है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है, अभी जैसे मौसम ख़राब है तो थोड़ी देर में मौसम सही हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मौसम ख़राब ही है। अभी धूप भी हल्की हल्की निकली है, और आसमान में भी काफ़ी ज़्यादा बादल वगैरह छाए हुए हैं, देखते हैं बारिश होती है फिर धूप होती है।
नाश्ता बनाने की तैयारी भी हो गई है और नाश्ते में बना रही मैं आज हलवा। तो चलो चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं जल्दी से। बन गया मेरा नाश्ता भी, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को भी। चलो नाश्ता बना के आ गई हूँ मैं अभी सोने के घर पे परी से मिलने। और ये रही हमारी परी, उड़ गई तो देखो ये हमेशा ना बोतल टांग के आती है भाई, इस बोतल को छोड़ती नहीं है ये। जब से ये नानी गांव से आई ना, इसने बस टांग के रखी है, वो हमेशा टांग के रखती है। पता नहीं क्या है उस बोतल में ऐसा। बाकी यहाँ पे मैडम जी का भी यहाँ पे कोदा छना जा रहा है, जो मंडवा होता है ना, मंडवा ही बोलते हैं, तो इसको साफ कर रहे हैं। जैसे इसमें ये आपको दिख रहे वाइट वाइट, इसको साफ करना है। इससे जंजाल ऐसे पहले मतलब ओखली होती है ना, जिसको उखलियारा भी बोलते हैं गढ़वाली में, तो उसमें कूड़ा जाता है। लेकिन अब नया सिस्टम निकाल दिया इन लोगों ने, कंटर में कूड़ा जा रही है। और जंजाल ऐसे साफ करना है इसको एकदम से छान के। और यहाँ देखो परी ना उल्टे काम कर रही है, इसे गिराने के लिए आ रही कुल, इसका कुछ काम नहीं है। चल इधर चलो बोल चलो। तो यहाँ पे ये यही काम कर रही है अभी। कल हमारा भी ऐसे हुआ था, क्योंकि हमने कोदा और झुंगोरा काट दिया ना, तो उसको भी छना ऐसे ही, मैंने तो नहीं छना, इन्होंने ही छना। टाइम भी हो गया है, नहा धोना मैंने कर लिया है, कपड़े वगैरह मैंने धुल दिए सुखाने के लिए डायरेक्ट में छत पे। अभी धूप भी नहीं है, हल्की धूप है, तो शाम तक सूख जाएंगे कपड़े भी। और यहाँ पे सासू जी ने मंडवा भी डाल रखे हैं सुखाने के लिए कोदा, और वहाँ पे क्या बोलते हैं झंगोरे की थोड़े से जो बचे हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो निकाल के लाए थे खेत से, तो ये डंठल बचे हैं झंगोरे के, ये भी डाल रखे सुखाने के। यहाँ पे मिर्ची है, इसमें भी मिर्ची है, इसमें मिर्ची है, ये पहले निकाल दी थी, अभी कुछ टाइम पहले निकाली है, तो अलग अलग बर्तनों में रखी है। यहाँ पे झंगोरा और कोदा एक साथ डाल रखा सुखाने के लिए। और अभी मेरा खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, 11:30 हो गए हैं। तो चावल में गैस पे चढ़ा रखे हैं और दाल मैंने उबाल के रखी है, दले हुए चने, तो अब बस उस पर तड़का लगाना है। तो दाल बनाने की तैयारी भी कर लेती हूँ मैं भी, प्याज टमाटर काटती हूँ, उसके बाद दाल भी तड़का लगाती हूँ, उसके बाद हो गया मेरा काम। और ताई सास भी आ गए मेरे घास लेके, वो आज इस वाले जंगल में नहीं गए थे, आज वो नीचे वाले जंगल में गए थे, और उनके घास शायद घास भारी हो गया था, उन्होंने सोने के घर पे रखा हुआ था, नीचे रखा हुआ था घास, तो बैठे थे वहाँ पे चाय वगैरह पी के आ गए शायद, उस टाइम में वहीं पे थी। आ गए मेरी ताई सास घास लेके, गुरा आ गई जी मेरी। अच्छा हाँ, तभी तो चलते हैं दाल बनाते हैं। खाना भी मेरा बन गया है, चावल बन के रेडी हो गए, दाल मैंने गैस पे चला दिए, तड़का लगा दिया मैंने दाल पे। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काटा था ना, तो उसके छिलके यहीं पे रह गए हैं, इनको डालती हूँ बाहर साफ करके। और उसके बाद हो गया मेरा काम ख़त्म, उसके बाद से तो सिर्फ खाना खाने का काम रहता है, थोड़ी देर में खाएँगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब। खाना खाने का टाइम भी हमारा हो गया है अभी, और आज तो सासू जी है नहीं घर पे, मैं और नरेंद्र जी हैं दोनों ही खाने वाले। सासू जी जा रहे हैं छोटी वाले सासू जी के साथ लमगांव, तो वो तो खाना खाने के टाइम पे आएंगे नहीं, तो हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम कर लेंगे थोड़ी देर। तो अभी मौसम भी ख़राब हो गया बाहर, और मंडवा वगैरह भी डाल रखे सुखाने के लिए, उसे भी फिर रूम में रखना है अंदर, तो चलते हैं अभी खाना खाने। खाना तो मैंने रख दिया थालियों में, और अब खाते हैं जल्दी से गरम गरम दाल चावल का आनंद लेते हुए। खाना वाना तो हो गया मेरा, अभी बस बर्तन धुलने को रह गए हैं, बर्तन धुल देती हूँ पहले, उसके बाद सोने चलते हैं।